हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो इसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपकी अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ फटाफट अंदाज में। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस बेस्ड कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए, यानी सिर्फ देखिए नहीं, कॉपी पेंसिल लेकर साथ बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे फटाफट। तो बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। आप भी दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस तरह की प्रैक्टिस वीडियो हम और भी लाते रहें। तो फटाफट बिना देर करे प्रैक्टिस करते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 की पावर 400, 3 की पावर 300 और 3 की पावर 400 और 4 की पावर 300, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है, ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो करते हैं इनको फटाफट, पेन ले लेते हैं। तो बच्चों देखते हैं, अब ये दो चीज़ें हैं, ये इससे बड़ा है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? ना तो हमारा बेस समान है, आधार भी अलग अलग है और पावर यानी घात भी अलग अलग है। कोई एक चीज़ तो समान होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन हो पाती है। तो कोई एक चीज़ समान बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखो, आधार तो समान नहीं होगा, हम पावर समान कर सकते हैं, घात समान कर सकते हैं। कैसे? इस घात के HCF से, HCF क्या है? 100। तो इस 400 को क्या लिख सकते हैं? फटाफट देखते हैं किस तरह से इनको करते हैं हम। ये 2 है, इस पर 4 × 100, और इस 3 को भी क्या करते हैं? 3 × 100। ये समझ गए? अब क्या करेंगे, इतने को सॉल्व कर लेंगे और आगे पावर समान रहने देंगे। अब ये 100 से 100 तो कट गई, यह समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ये कितने आया? 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 3 की पावर 3 यानी कि 27। अब बताओ ये कौन सा बड़ा है? पावर तो ऊपर समान है, 100 100, इससे फर्क नहीं है, बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। तो पहला कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ऐसे ही हम दूसरा कथन भी देखेंगे। अब आप इसको आसानी से कर पाओगे, 3 की पावर 4 ये 100 रह गया और ये 4 की पावर 3 और ये उस पर 100 हो गया। अब देखते हैं 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 और ये कितना होता है, 64। घात तो बाकी 100 100 है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, छोड़ दे चाहे तो। अब देखो कौन सा है, ये बड़ा है, तो दूसरा कथन सही है, दूसरा सही है। कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा। तो ये चीज़ समझ में आई, जब भी पावर लिखी हो तो पावर को HCF पर समान बना लें, बाकी को सॉल्व कर लें, तो जो समान है वो हट जाएगा और बाकी चीज़ें आप सॉल्व कर पाओगे, बेहद आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 30 सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होती है? 2। दूसरी सम संख्या क्या होती है? 4। तीसरी सम संख्या क्या होती है? 6। इस तरह से 30 सम संख्याएं हैं। अच्छा, इसको यहीं से यदि मैं समझते हैं, डायरेक्ट भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, समझने के तरीके से भी बता देते हैं। यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ये कितना बचेगा? 2। दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, तो तीसरी संख्या में 30 बचेगा ना, तभी तो 30 × 2 = 60, 60 होगी। थर्ड इज इवन नंबर, तीसवीं सम संख्या, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, तीसवीं। तो ये नंबर हो गए। अब ये जो अंकों का योग है, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग होता है क्या? n n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एक से कहीं तक भी योग हो। तो इसको हम ले लेंगे n, तो फिलहाल मेरा है 2 × 30 और 30 और 1 = 31/2। इस 2 से ये 2 कट गया और ये आ गया हमारा 3 × 3 = 3, 3 × 9 930। कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा 2, ठीक है। तो ये बेहद आसान है। अच्छा, कभी ऐसे लिखा हो कि 30, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप कर दो, जो भी यहाँ लिखा है उसके लिए n n+1 × n और n+1, ये किसके लिए? सम के लिए। लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन घुमा देगा तो आप कैसे करोगे? तो आपको पता है फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, ये n n+1
बाई टू से ही आया है, लेकिन ये बटे का टू कट जा रहा है क्योंकि सम संख्याओं में क्या है, दो कॉमन आता है, उस दो से कट जाता है। तो इसे रटने से अच्छा आप इसी को तैयार करें, इस तरीके से तैयार करें, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। खैर आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.01 की पावर का स्क्वायर और 0.01 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये दोनों जोड़ने हैं। अच्छा अगर ये दोनों जोड़ने हैं तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, चार अंक, इसके बाद भी पॉइंट के बाद चार अंक, तो योग में पॉइंट के बाद चार अंक आने चाहिए। अब देखो यहाँ भी तीन अंक हैं, यहाँ दो ही अंक है पॉइंट के बाद, और यहाँ पॉइंट के बाद तीन अंक हैं, तो यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया, ये स्क्वायर है तो चार अंक यहाँ होंगे, पॉइंट के बाद कितने होंगे चार अंक, यहाँ भी चार अंक, तो आंसर में भी चार अंक होने चाहिए। अगर इस तरह के ऑप्शन मिल जाए इतने अच्छे इतने आसान, तो क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है। और फिर भी कई मतलब बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह के ऑप्शन होते हैं, हर एक में नहीं होते लेकिन काफ़ी क्वेश्चनों में होते हैं, यदि आप उनको ऐसे आइडेंटिफाई कर लो तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन इतने निराले होते हैं कि एक ही आंसर बन रहा होता है। तो यही इसका आंसर हो गया, आओ इसे चेक भी कर लेते हैं, कुछ को डाउट होगा लेकिन ये करना भी आपको सीखना है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले 1.01 का स्क्वायर क्या होगा जी, इसका स्क्वायर तो 101 का स्क्वायर करेंगे आप, 101 का स्क्वायर क्या होता है, 101 का स्क्वायर, तो आप 101 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करते हैं, 101 का या किसी भी 100 के आसपास वाले का स्क्वायर, इस एक का स्क्वायर करेंगे डबल डिजिट में लिखेंगे, एक का स्क्वायर होता है 01, और इसमें एक ही जोड़ के लिख देंगे, एक जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 102, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 10201, ये हो गया। लेकिन पॉइंट कितने अंकों बाद लगेगा, दो है, स्क्वायर क्या है तो चार अंक बाद, 1 2 3 4 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, प्लस इस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, एक होगा, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, चार अंक बाद, तो 1 2 3 और एक ही चार, तो यहाँ लगेगा पॉइंट। अब इन दोनों को आप जोड़ लोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये 1 ही आएगा, 0.0202, यही आंसर होगा जो अभी बताया था, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हैं, स्क्वायर के तरीके भी आपको याद रख लेने हैं, इस तरह के जैसे आपको निकालना है 106 का स्क्वायर, तो 6 का कितना होता है 36, 6 का जो 100 से कम ज़्यादा है, अब 100 से अधिक है तो इसी 6 को हम जोड़ के लिख देंगे, कितना हो गया 106 और 6 112 है, ये चीज़ें क्लियर हैं, इस तरह से हम इनको स्क्वायर कर सकते हैं। तो आते हैं देर बिना देर के अगले क्वेश्चन पर, 80 से 120 के बाद तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं, 7 5 दोनों से विभाजित होती हैं, यानी 7 पन्ना 35 से विभाजित होती हैं, याद रखें है ना, 35 से विभाजित होती है यानी 7 5 दोनों से, 7 5 दोनों से तो 35 से, जो भी हमें ज़रूरत पड़े ऐसा हम यूज कर सकते हैं। तो 35 से विभाजित होती हैं, तो 35 का आपको पहाड़ा आता है, 35 2 70, 35 3 105 और 35 4 140, है ना, क्योंकि 35 का पहाड़ा, तो इस तरह से कर लेंगे, यानी जो तरीके हैं वो भी हम सीख लेंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आसान हो तो तुरंत आपको डायरेक्ट तरीके पर आना चाहिए, आपको पता है 35 फिर 70 फिर 105 फिर 140, तो जो दिया है इसने अंतराल दिया है इसके बीच तो केवल एक ही अंक आ रहा है ना, तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ क्लियर है आपको, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी संख्या होती तो कैसे करते, तो पहाड़ा नहीं लिखते ना हम, तो कैसे करते, तो हम करते 80 में भाग करते 35 का, कितनी बार जाता है, दो बार, खैर जो भी बचता उससे मतलब नहीं है, और यहाँ भाग किससे करते, 120 में भाग करते 35 से, ये तीन बार जाता है 105, कुछ शेष बचेगा नहीं, ज़रूरत। अब ये देखो यहाँ तक गया दो बार, यहाँ तक गया तीन बार, इस तीन से इस दो को घटा देंगे, तीन से दो गया तो एक, और यही आंसर हो गया। ये तरीका होगा आपका इससे या इससे बड़े क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन छोटे हैं तो आप टेबल करके कर सकते हो, यानी आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, और ये कब कर पाओगे, जब ये क्वेश्चनों में कर लोगे और इस तरह की चीज़ें एक बार फेस कर लोगे। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं
तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आते हैं। a प्लस बी बराबर 10, ए इंटू बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है ना। a और b की वैल्यू हम नहीं सोच सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जुड़ के 10 बने और गुणा होके 5 ही, ऐसा कैसे संभव है ना। तो यहाँ पर ज़रूर हमारी संख्याएँ कैसी होंगी, संख्याएँ हमारी मिक्सड होंगी, यानी रेशनल इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। खैर उस पर अभी ध्यान नहीं देना, उसने हमसे स्क्वायर पूछा, ये कहाँ आता है? एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी में आता है, यहीं से ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये इधर आ जाएंगी वैल्यू, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर, ये ही ज्ञात करना है। तो अब यहाँ करेंगे इसको, 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 10 यानी कि 90, यही किसकी वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। आंसर हम टिक कर देंगे यहाँ पर, है ना बच्चों, बेहद आसान है। आपको ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ये जब अच्छे से याद होते हैं तो एकदम दिखता है कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तब ये चीज़ें अपने आप दिख जाती हैं। कुछ सोचते हैं कि सर कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, एक बार फॉर्मूले तो इतने अच्छे से याद हों, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद हों, तो अपने आप दिखेगा कि फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। आगे आते हैं, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है और बी की आय ए की आय से 30% अधिक, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन हम रेशियो की तरह करेंगे, रेशियो मर्ज करने की तरह, जैसे अनुपात मिक्स करते हैं, है ना। तो फिलहाल आप लिख लेंगे क्या, ए बी और सी, ये तीनों चीज़ें लिख लेंगे। सबसे पहले कहा है सी की आय बी से, सी की आय बी से 30% अधिक है, सी की आय कितनी है, 30% अधिक बी से, तो बी कितना है जी, बी है हमारा, बी से कंपेरिजन क्या है, तो बी को लेके चलेंगे 100, तो सी की 30 अधिक यानी 130, ठीक है। आगे कहा है कि बी की आय ए से, बी की आय ए से 30% अधिक है, बी की आय कितनी है, ए से 30%, तो ए को लेंगे 100 और बी को 30 अधिक यानी कि 130, ठीक है। अब अनुपात मर्ज करने के तरीके से कर देंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे 100 और इसको इधर बढ़ाएंगे 130, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की ए से कितने अधिक है, तो फिलहाल बी को छोड़ेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या है, इन दोनों में देखो ये एक जीरो से जीरो कट गया, है ना, और इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ये कितना होगा, ये 100 हो गया और ये 169 हो गया, तो देखो कितना अधिक है, 69, 100 पर जितना अधिक हो वो डायरेक्ट परसेंट होते हैं, तो आंसर हो गया हमारा 69%। तो क्वेश्चन सिंपल है, ये चीज़ें आपको फिर से समझ में आ गई होंगी अच्छे से, मर्ज कैसे करते हैं दो अनुपातों को। आगे आते हैं, एक्स और वाई, वाई जेड, तो एक्स से जेड पूछा है, सिंपल वही मर्ज करने वाला तरीका, दो अनुपात मर्ज करने हैं, है ना, एक्स वाई और जेड, पहले एक्स जेड लिख लीजिए 4, 3, फिर वाई जेड लिख दीजिए 7, 9, इधर बढ़ा लेंगे क्या 3 और इधर बढ़ा लेंगे 7, साइड से वैल्यू लेकर बढ़ाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं बढ़ाते हैं, अभी से आप गुणा कर लेंगे, हमसे पूछा क्या है केवल एक्स जेड, तो फालतू का काम नहीं करेंगे, बस उतना ही करेंगे, 7 4 28 और 9 3 27, है ना। कुछ होते हैं कि इनको भी करने में लगे होते हैं, जो पूछा है वो ही करें बस, बाकी ना करें, तो 28 27, यही आंसर हो गया, आंसर 2 हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात है, 3 संख्याएं 18 32 65 को गलती से 25 29 56 ले लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करते हैं, तो हमारी संख्याएं क्या थी, 18 32 65, इनकी जगह ले क्या लिया 25 29 और 56, यानी इन सभी का योग और इन सभी का योग हम कर सकते हैं, तो योग करेंगे 8 2 10, ये 15 है ना, और 4 10 और 11 115,
यानि हमारा सही कितना था 115, लेकिन ले कितना लिया गलती से, क्योंकि योग से ही निकलता है औसत, तो हमको योग ही करना है। 14, 26 और 4, 5, 9 और 11, 110 कितना ले लिया जी, 110 ले लिया। लेना चाहिए था 115, लिया कितना 110, तो कितना कम लिया है, 5 कम लिया है ना, 5 कम लिया है, 5 फालतू लेने चाहिए थे, ये संख्या ले ली जबकि लेनी चाहिए थी ये, तो 5 और एक्स्ट्रा लेंगे, 5 एक्स्ट्रा लेंगे, और 5 एक्स्ट्रा लेके हम कितनों पर बांट देंगे, 50 पर, क्योंकि संख्या है टोटल 50, इसको हम 50 पर बांट देंगे तो कितना आएगा 0.1 हर एक के हिस्से में, तो इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है तो 18 से इतना बढ़ा देंगे, तो 18 से बढ़ा देंगे ना, तो 18.1 आ गए, यानी यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसी को हम योग से भी कर सकते हैं, योग में भी वही तरीका है, अगर हम योग निकालने लगेंगे तो योग निकलेगा औसत गुणा पदों की संख्या। योग कितना है हमारा, औसत है 18 और पदों की संख्या है 50, तो 18 पंजे 90, 900 हो गया योग। लेकिन वो कह रहा है कि हमने ये चीज़ ले ली, लेनी कितनी थी, ये 110 ले लिया, लेना था 115, तो 5 और लेना है, तो 5 और जोड़ेंगे, तो नया योग कितना हो गया 905, ये हो गया हमारा सही योग, सही योग। तो औसत कितना होगा, औसत हो जाएगा 905 बटे 50, क्योंकि अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या है 50। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 18.1, वही आना है। ये योग के तरीके से हो गया और ये हमारा डायरेक्ट हो गया। दोनों मेथड अच्छे हैं, योग का मेथड भी अच्छा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो वो भी फटाफट होता है, और ये तो है ही बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, प्रैक्टिस करते रहिए अपने साथ के साथ, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करने की कोशिश किया करो पहले, फिर कुछ अच्छी ट्रिक मिले तो वो आपको सीखनी है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।